उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन आकाश तत्व सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ एवं पूर्व सरकारवाह सुरेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंच तत्वों के बारे में नई पीढ़ी को सही जानकारी देना था। पंच तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पर देश भर में 5 जगहों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित इन पंच तत्वों को वैज्ञानिक आधार पर समझने और अनुसंधान के लिए संगोष्ठी में विचार किया गया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व पर वैज्ञानिकों द्वारा गहन मंथन और चिंतन 7 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें इसरो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग CSI जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर आकाश तत्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी से संबंधित एटलस एवं सार संग्रह का विमोचन भी किया गया। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने इसरो और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित आकाश तत्व सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों का स्वागत किया। CM ने कहा कि उत्तराखंड की पावन धरा पर आयोजित यह चिंतन कार्यक्रम निश्चित रूप से पंच महाभूतों में प्रधान आकाश तत्व के नवीन आयामों की विवेचना करने में सफल होगा। MK न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। मॉडर्न विज्ञान दोनों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए CSR अर्थात जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पर SSR अर्थात साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विचार को भी अपनाने की वैज्ञानिकों से अपील की है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के सम्मेलन विज्ञान के समुदाय के क्रिएटिव माइंड्स को एक मंच पर लाकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत बने, भारत आगे चले और सारी दुनिया उसके पीछे चले, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से हमको वो रास्ता मिलेगा। हम सब जानते हैं कि मानव के जीवन में 5 तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनका होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण।